हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो है लाइफ प्रोसेसेस, उसका न्यूट्रिशन टॉपिक रिवाइज करेंगे। हमने न्यूट्रिशन टॉपिक में जो भी पॉइंट्स थे उनको टॉपिक वाइज सेपरेटली पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक साथ न्यूट्रिशन टॉपिक को पूरा रिवाइज करेंगे। न्यूट्रिशन टॉपिक में हमने न्यूट्रिशन क्या होता है उसको पढ़ा था। उसके बाद हमने जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज ऑटोट्रॉपिक मोड एंड हेटरोट्रॉपिक मोड, उसको पढ़ा था। उसके बाद हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको डिटेल में पढ़ा था। देन हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको समझा था। उसके जो तीन टाइप्स हैं, दैट इज पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक, उसको पढ़ा था। होलोजोइक को हमने डिटेल में पढ़ा था। उसमें फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी अमीबा के बारे में पढ़ा था। देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी के ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इतना चीज हमने पढ़ रखा है। आज इस वीडियो में हम एक साथ पूरे न्यूट्रिशन टॉपिक को रिवाइज करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक, तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है? वो सारे प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। इस लाइफ प्रोसेसेस जो टॉपिक है, जो प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, लेकिन जो आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी दी गई है उसमें मेनली 4 प्रोसेस जो है उनको इंक्लूड किया गया है, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हमने न्यूट्रिशन टॉपिक को भी रिवाइज करना है जिसको हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। तो न्यूट्रिशन दैट मींस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट मींस जो भी फूड हम इनटेक करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। अब ये जो न्यूट्रिशन है इनके अलग अलग मोड्स हैं, दैट मींस ऑटोट्रॉफिक मोड और हेटरोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक मोड जो है वो ग्रीन प्लांट्स के थ्रू किया जाता है, और जो हेटरोट्रॉफिक मोड है वो एनिमल्स करते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन दैट मींस इनटेक ऑफ फूड, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से। तो फूड को हम जो न्यूट्रिशन के जो प्रोसेस है, दैट मींस की इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिशन है इसके 2 मोड्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटो दैट मींस सेल्फ एंड ट्रॉफिक दैट मींस फूड। अगेन हेट्रो दैट मींस अदर्स एंड ट्रॉफिक दैट मींस फूड। क्लियर है? यहाँ नाम से ही पता चल रहा है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर रहेंगे, और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से, आइदर एनिमल्स से और प्लांट से अपना फूड लेते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आएंगे। तो सबको पता है ऑटोट्रॉफिक के अंदर प्लांट्स और ग्रीन प्लांट्स ज्यादा अच्छा सही रहेगा। ग्रीन प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आएंगे, और एनिमल्स जो है वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आएंगे। ठीक है, अब देखो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, जितना आपके एनसीईआरटी में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो देखो ऑटोट्रॉफिक के अंदर ग्रीन प्लांट्स आते हैं, और ये हम सबको पता है कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो दैट मींस फोटोसिंथेसिस। अब जब हमने फोटोसिंथेसिस लिखा है तो इसका हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू प्रिपेयर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर। तो जो ऑक्सीजन है वो बाई प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, तो देखो मैं रिएक्शन लिखती हूँ, आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, और ये जो
डेफिनेशन है ये भी इम्पोर्टेंट है और जो ये रिएक्शन है ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में दोनों आता है। तो देखो 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट टू फॉर्म C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O। क्लियर है? आपकी एनसीईआरटी में भी ये चीज दिया हुआ है लेकिन मैंने यहां पे भी लिखा है। अब देखो एक बार मैं डेफिनेशन वापस बोलती हूँ। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू प्रिपेयर ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर। मेन प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट है, मतलब कि इसको बनाने के प्रोसेस में ये बन जाता है और वाटर रिलीज होता है। ठीक है? तो देखो डेफिनेशन हमने देख लिया, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन भी एग्जाम में आता है। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी में 3 स्टेप्स दी गई है, वो स्टेप्स याद रहना जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है? तो उससे पहले ये एक क्वेश्चन और आता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रॉ मटेरियल क्या क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो रॉ मटेरियल है। ठीक, ये दोनों जो है वो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है? उसके बाद हमें ये 3 जो स्टेप्स है वो देखना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो लाइट एनर्जी है वो ट्रैप की जाएगी क्लोरोफिल के द्वारा, और जो सेकेंड स्टेप है दैट इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। ये 3 जो स्टेप्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होते हैं, यानी कि सबसे पहले जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल के द्वारा ट्रैप की जाती है, सनलाइट एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल के द्वारा ट्रैप की जाती है। उसके बाद उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, दैट मीन्स ग्लूकोज इसमें, एंड थर्ड इज जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन होता है ग्लूकोज में। ठीक है? तो ये जो 3 स्टेप्स हैं आपके एनसीईआरटी में दी गई है वो आपको याद रखना है। इसके बाद जो फोटोसिंथेसिस में हमने देखा रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, तो वाटर तो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेगा सॉइल से, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां से आएगा? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटल पोर्स के थ्रू आता है। ठीक है? स्टोमेटल पोर क्या होते हैं? टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स, दैट मीन्स अगर ये लीफ है तो इसके ऊपर टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये टीनी पोर्स जो है दे आर कॉल्ड स्टोमेटा और स्टोमेटल पोर, और ये जो स्टोमेटा है यही स्टोमेटा रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज में, यानी कि प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू लेते हैं और जो ऑक्सीजन उनके अंदर बनता है उसको वो इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू रिलीज करते हैं। ठीक है? तो देखो अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, तो स्टोमेटा जो है किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं? तो अगर इस स्टोमेटा को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जो तीनी पोर्स होते हैं ना वो किडनी शेप्ड गार्ड सेल से रेगुलेटेड होते हैं, कवर्ड होते हैं। ठीक है? देखो ये 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल हैं, ये स्टोमेटा को कवर करके, दिस पोर इज स्टोमेटल पोर एंड दिस पोर इज गार्डेड बाय और सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स। दिस स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स। गार्ड सेल कैसे शेप का होगा? किडनी शेप का होता है। ठीक है? अब हमें ये देखना है कि किस तरह से गार्ड सेल जो है रेगुलेट करता है। इसके चारों तरफ सब्सिडियरी सेल्स भी होते हैं इस तरह से। तो देखो कि वेन एवर वॉटर इंटर्स इंटू गार्ड सेल, जब कभी भी गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर करता है, तो आप एक चीज बताओ, जब भी किसी चीज के अंदर वाटर एंटर करेगा तो उसका क्या हो जाएगा? उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, मतलब वो जो है चीज वो फूल जाएगा।
जाएगा, स्वेल कर जाएगा। तो वही केस यहाँ पे होता है कि जब गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर करता है तो गार्ड सेल के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, मतलब गार्ड सेल जो है वो फूल जाता है, टर्जिड हो जाता है। और जब भी इसका शेप कैसा है, किडनी शेप, आप मेरे हैंड से इसको रिलेट करो कि इसका शेप ऐसा है, दैट मीन्स इसके इस वाले पोर्शन में ग्रूव है, ठीक, और ये दोनों अटैच हैं, तो जैसे ही वाटर इसमें एंटर करेगा तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आएगा और इस तरह से बन जाएगा। और जब अपने ओरिजिनल शेप में आएगा तो जो दोनों ग्रूव हैं उनके बीच का गैप जो है वो क्लियर दिखेगा और स्ट्रोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वेन एवर वाटर एंटर्स इनटू गार्ड सेल, गार्ड सेल स्वेल्स एंड देन स्ट्रोमेटल पोर जो है ओपन हो जाता है। अब जब गार्ड सेल वाटर लूज करेगा, जब किसी भी चीज से वाटर निकल जाता है तो उसका क्या हो जाता है, श्रिंकेज। तो अगर इसमें से मान लो दिस इज गार्ड सेल और इसमें से अगर वाटर निकल गया तो धीरे धीरे ये श्रिंक होगा, स्ट्रेट हो जाएगा, और अगर ये स्ट्रेट हो जाएगा तो जो पोर है वो क्लोज हो जाएगा और फाइनली गैसेज एक्सचेंज जो है वो रुक जाएगा। तो आप कह सकते हो कि वेन वाटर कम्स आउट फ्रॉम गार्ड सेल देन इट श्रिंक्स बिकम्स स्ट्रेट एंड फाइनली स्टोमेटल पोर ओपन सॉरी क्लोजेस एंड देन गैसेज एक्सचेंज स्टॉप्स, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स के अंदर लिया जाता है और जो वाटर है वो रूट्स के थ्रू लिया जाता है, ठीक। तो ये हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हो गया। अब सेकेंड करते हैं, दैट इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मीन्स जो एनिमल्स के अंदर होता है जिसमें कि दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स पे जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंडेंट होते हैं। जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके तीन टाइप्स होते हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तीन टाइप्स होते हैं, ठीक। फर्स्ट इज पैरासिटिक, सेकेंड इज सैप्रोफिटिक, एंड थर्ड इज होलोजेनिक। तो देखो, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे के बॉडी पे रहते भी हैं और खाना भी उसी से खाते हैं, ठीक। जैसे हमारे बॉडी के अंदर मान लो वॉर्म है, स्टमक में वॉर्म्स होते हैं, तो वो हमारे ही बॉडी में है और वहीं से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर में जो छोटे छोटे पीक्स वगैरह होते हैं कैटल्स के ऊपर में, तो वो उन्हीं के बॉडी में रहते हैं और वहीं से न्यूट्रिशन भी यानी ब्लड सक करते हैं, तो दे आर पैरासाइट्स। और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो होस्ट बॉडी के ऊपर ही अपना घर बनाते हैं और वहीं से न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो होस्ट बॉडी को किल नहीं करते हैं लेकिन हार्म जरूर करते हैं, वो अपने होस्ट बॉडी को धीरे धीरे वीक बना देते हैं, डायरेक्टली किल नहीं करते हैं, ठीक। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक दैट मीन्स ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स सड़े गले चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेता है। इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पहले जो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग लीव्स हैं और प्लांट्स हैं उनके ऊपर में डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगा और उस डाइजेस्टिव एंजाइम से जो वो जो फूड उनका है, जो रॉटेन लीव्स हैं और ऑर्गेनिज्म का जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो बाहर में ही उनका डाइजेशन होता है और देन उसको वो सक कर लेते हैं। तो ये सैप्रोफिटिक में हो गया। एंड थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज होलोजोइक। होलोजोइक को हमने डिटेल में पढ़ा था, ये अमीबा के अंदर भी होता है एंड ह्यूमन के अंदर भी, दैट मीन्स यूनिसेल्यूलर के अंदर भी एंड मल्टी सेल्यूलर के अंदर भी, ठीक है। अब देखो, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर के अंदर होता है, तो उसके पहले हम एक बार अब डिटेल में होलोजोइक को देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। वही स्टेप्स जो है वो दोनों में होंगे, आइदर अमीबा एक सेल के बने ऑर्गेनिज्म में और ह्यूमन बींग्स में, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज इंजेशन यानी खाना को खाना, सेकेंड इज डाइजेशन,
थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इरिगेशन। ये सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है। सबको मैंने आपको बता रखा है, इंजेशन दैट मींस इनटेक ऑफ फूड, जो खाना हम खाते हैं दैट इज इंजेशन। सेकेंड इज डाइजेशन, डाइजेशन दैट मींस जो फूड हम इंटेक करते हैं सॉलिड इनसॉल्युबल फॉर्म में, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज डाइजेशन। थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, मतलब मेन ब्लड स्ट्रीम में जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको ले आना। फोर्थ इज असिमिलेशन, ऑर्गन टू ऑर्गन और सेल टू सेल, जो हमारा फंक्शन सेल कर रहा है उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलेगी फूड से, तो उस फूड को ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने की प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। एंड द लास्ट इज इरिगेशन, दैट मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट फूड और हार्मफुल मटेरियल इनसाइड द बॉडी, जिसको की जिसकी जरूरत नहीं है बॉडी में या फिर जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है उसको बॉडी से बाहर करने के प्रोसेस को कहते हैं इरिगेशन। तो ये पांच स्टेप्स ही आते हैं होलोजोइक में। अमीबा के अंदर कोई भी इसके लिए डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये पांचों स्टेप्स जो हैं अमीबा के अंदर वो एक एक करके एक ही सेल के अंदर होते हैं। टेम्पररी ऑर्गन्स बनता है अमीबा जो है, अगर वो फूड को देखता है तो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है एंड देन इस तरह का स्ट्रक्चर, यानी कि क्राउल करके सूडोपोडिया टेम्पररी फूट बना के अमीबा जो है फूड के पास जाता है, वहां उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होता है और अमीबा जो है फूड को अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। देन उस पर जो है कवर लग जाती है, दैट इज फूड वैक्यूल। देन उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होता है। ये सब मैंने वीडियो सेपरेटली अमीबा का बना रखा है, आप वहां से इसको डिटेल में और देखेंगे। और उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होने के बाद जो डाइजेस्टिव फूड है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी में, उसको एसिमिलेट किया जाता है और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स उनको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये सब हमने अमीबा के अंदर पढ़ा था, मैंने आपको प्रॉपर डायग्राम के साथ ये चीज आपको बता रखा है। उसके बाद लास्ट जो न्यूट्रिशन के अंदर टॉपिक है दैट इज ह्यूमंस के अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन, इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। तो देखो ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो बॉडी में फूड का मूवमेंट होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है। एलिमेंट्री कैनाल हमारे बॉडी के अंदर एक पाइप है जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनल बोर्ड तक जाता है। माउथ के बाद जो है फूड हमारा वो कॉमन पैसेज फाइरिंग्स में जाता है। फाइरिंग्स में दो ओपनिंग होती है, एक फूड पाइप की एक एयर पाइप की। तो फूड जो है वो फूड पाइप में एंटर करेगा, एयर पाइप जो है उसकी ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस, जिसके ऊपर एपिग्लॉटिस एक स्लैब रहता है। तो जब फूड आता है फाइरिंग्स में तो एपिग्लॉटिस जो है ग्लॉटिस को कवर कर लेता है और जो इसोफेगस की ओपनिंग है गलेट उसके अंदर फूड चला जाता है। उसके बाद पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से फूड जो है वो स्टमक के अंदर आता है। स्टमक में 3 से 4 घंटे रहने के बाद फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड आइदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट, इसका जो कंप्लीट डाइजेशन है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है और एब्जॉर्प्शन भी यहीं पे हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ अमाउंट में वाटर जो है उनका एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो एनल पोर्ट के थ्रू बाहर कर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एक बार में न्यूट्रिएंट जो हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, तो किसका कहाँ पे डाइजेशन होता स्टार्ट होता है वो बता देती हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट है एक चीज और, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके साथ साथ 3 ग्लैंड जो होते हैं वो भी रोल प्ले करते हैं, दैट इज सैलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियास। सैलिवरी ग्लैंड माउथ में होता है, लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है और जो स्टमक के पास में होता है, एंड पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पैनक्रियाज होता है, वो मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, दैट मीन्स वो हॉर्मोन भी सिक्रेट करता है और डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रेट करता है, ठीक है। तो देखो फूड जो है जैसे ही हमारे माउथ के अंदर आया, तो जब हम माउथ के अंदर च्यू करते हैं और बाइट करते हैं तो सॉलिड इनसॉल्युबल फूड को, यानी न्यूट्रिशन के प्रोसेस, इंजेशन के और न्यूट्रिशन के प्रोसेस से जो हमने फूड लिया है उसको हम स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं। डाइजेशन का प्रोसेस वहां से स्टार्ट हो गया, च्यू करके बाइट करके उसको हम स्मॉल पीसेस में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसी टाइम हमारे माउथ से एक तो सलाइवा सिक्रीट होता है जो कि फूड को स्लिपरी बनाता है ताकि वो इजिली हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पास हो
और हमारे सेलिवरी ग्लैंड से हमारे माउथ के अंदर सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम सीक्रेट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को उसके सिंपल फॉर्म में एब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ऑलमोस्ट 30%। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है और फैट है वो हमारे इसोफेगस में आ जाता है। इसोफेगस में इस तरह का जिगजैग मूवमेंट जिसको कि पेरिस्टाल्सिस कहते हैं उसके थ्रू फूड जो है वो जाता है। इसोफेगस में बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होगा किसी भी चीज का नहीं। उसके बाद हमारा फूड जो है वो स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक के अंदर फूड आता है उसके बाद 3 से 4 घंटे स्टमक के अंदर रहता है। वहां प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। याद रखना सिर्फ स्टार्ट होता है और वो भी प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का नहीं और इसका फैट का भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का। लेकिन स्टार्ट हुआ है कंप्लीट नहीं। और जो फूड है वो हमारे स्टमक से आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन होगा जो कि माउथ में स्टार्ट हुआ था। हमारे प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होगा जो कि स्टमक में स्टार्ट हुआ था। फैट का डाइजेशन स्टार्ट भी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और कंप्लीट भी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर से आते हैं बाइल जूस जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर रहते हैं। वो बाइल डक्ट के थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट्स के साथ मिक्स होकर पैनक्रियाटिक जूसेस के साथ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है और फाइनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में उसको तोड़ा जाता है। और उसके बाद जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में देन एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट सीकम देन कोलोन के 3 पार्ट है असेंडिंग ट्रांसवर्स देन डिसेंडिंग एंड फाइनली रेक्टम और देन एनल कोर्ड के थ्रू बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट न्यूट्रिशन टॉपिक का एक साथ रिवीजन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट है लाइफ प्रोसेस का उसको पढ़ेंगे।